बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम हैदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नून लीग के जलसे में। मरियम नवाज खिताब करके गई हैं अवाम से, और उसके बाद हम अवाम से पूछते हैं कि क्या कहेंगे इस बारे में। मरियम नवाज का खिताब सुना और क्या कहती हैं वो, कुछ समझ में आया या नहीं आया, और वोट किसको देंगे, ये सारा कुछ हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सबर हसनैन है, मुस्लिम लीग का कोऑर्डिनेटर हूं खान बाल से। जी ठीक हो गया, और यहाँ पे आप क्या करने आए हैं? जी हम जलसे पे आए हैं और हम थोड़ा सा लेट हो गया, तो मरियम नवाज का जो जलसा है वो तो पहले हो चुका है, लेकिन जो पब्लिक का जोश और जज्बा है, और इससे यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजीर आजम बनता हुआ देख रहा हूँ। और आज का जो जोश और खरोश देखने के बाद आपको क्या लगता है कि 21 अक्टूबर को क्या होने वाला है? नवाज शरीफ इतने अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अवाम का रिएक्शन क्या होगा? इंशाल्लाह अभी तो 1% ये अवाम है, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएगा तो आपको पता चलेगा और पूरे लाहौर को पता चल जाएगा कि अवाम है और नून लीग के भी सपोर्टर है, और उम्मीद है कि अवाम निकलेगी बाहर। इंशाल्लाह अवाम पूरी पाकिस्तान से निकलेगी और आएगी और जोशो जज्बे से आएगी, और अभी तो ये मैं आपको बता दूं 1% है, तो अब जब नवाज शरीफ आएंगे 21 अक्टूबर को तब पता चलेगा अवाम के जोश और जज्बे का, आपको भी पता चलेगा। तो 21 तारीख को आप भी इस्तकबाल करने के लिए वोट देंगे इंशाल्लाह। अभी तो मैं चंद दोस्तों के साथ, फिर हजारों दोस्तों के साथ आऊंगा और बहुत बड़े जलसे के साथ आऊंगा मैं। तो आपके साथ कौन कौन है? अभी मेरे से काफी लोग हैं, वो पीछे गाड़ी में है, तो मैं फिलहाल इस वक्त अकेला हूँ इस जलसे में। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? शुक्र है सर। नाम क्या आपका? अच्छा गली। कहाँ से आए हैं? ये ठोकर नियाज बेग। यहाँ पे रहते हैं? ये नियाज बेग में मरे। तो यहाँ पे क्या करने आए हैं? यहाँ पे हम मरियम नवाज के जलसे में शामिल होने के लिए आए हैं। देखो हमें पाल दाल सब कुछ करके, ये शादी करने के लिए आए हैं या जलसे में आए हैं? समझो हमारा दिल अंदर से शादी वाला हिसाब है, ठीक है? मरियम नवाज आई है, हमारा दिल ऐसे हो गया जैसे बाहर होता है, जैसे बीवी के साथ बंदा नहीं बाहर हो जाता है। शादी छोड़ के आ गए या यहाँ पे एक शादी? वो यहाँ पे शादी छोड़ आए, हम इधर आ गए जलसे पे, पता चला जलसा नहीं आते हैं। वाकई आपकी शादी थी? इतनी मोहब्बत करते हैं मरियम नवाज से, आप मरियम नवाज से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपनी शादी छोड़ के आ गए? जी जी सारी बात है, क्यों नहीं छोड़ने पड़ती है हमारे लिए। देख लो आप, इतने ऑफिशियल भी करवाया, सब कुछ करवाया, ये देख लो अपनी शादी छोड़ के इधर आ गए। तो क्या आपको मतलब शादी जल्दी हो रही थी आपकी, इस वजह से आप छोड़ के आ गए? लोगों को तो मिलती नहीं है शादी करने के लिए, और आप छोड़ के जल्दी आ गए? हमें शादी थी आज मेरी सुबह कोई दोपहर को, तो पता चला जलसे है, तो हमने इसलिए कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल कर दिए शादी या दोबारा अभी फिर कर? नहीं, कैंसिल की अभी फिर, दोबारा नहीं की कैंसिल की, कैंसिल का मतलब एक दो दिन ऊपर कर दिया। अच्छा, मरियम नवाज के जलसे की वजह से? जी जी। तो यहाँ पे मरियम नवाज का मतलब बड़ा जोशो खरोश था जलसे में। तो 21 अक्टूबर को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं उस टाइम, क्या जोश और खरोश होगा उस टाइम? पूरा जोश है, जो अब्बा वो ऐसे ही है, सारे लड़के गए हैं ये सारे। तो आप कितने लोग हैं ये, मतलब सारे ये आप इकट्ठे हैं? जी जी। ठीक हो गया, तो आप क्या कहेंगे? ये दूल्हे का भाई है, मरियम नवाज के लिए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए आप क्या पैगाम देंगे? हम ये पैगाम देंगे, हम आपकी खातिर ये जान भी कुर्बान दे सकते हैं, हम मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपनी सब कुछ छोड़ के आ सकते हैं, बस आपको नहीं छोड़ेंगे। हम मुल्क की जितनी महंगाई है हम उससे बिल्कुल कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस मोहब्बत की, इस मोहब्बत की वजह, रीजन क्या, आप इतनी मोहब्बत इनसे क्यों करते हैं? इससे ये मोहब्बत है, हम शुरू से ही मरियम नवाज को वोट डाल के आ रहे हैं, अब इसलिए हम अपना काम सब छोड़ के आए। अच्छा, मरियम नवाज को या शहबाज शरीफ नवाज? दोनों को, दोनों को। अच्छा, मतलब साहब को इकट्ठा रखे ना आप, तेरे मरियम नवाज का नाम सारों को शेर है शेर जी भाई, आप क्या कहेंगे ये बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक, आसन है। क्या नाम है आपका? अली यादव। कहाँ से आए हैं आप? ये समनाबाद से। समनाबाद से आए हैं, तो किस लिए आए हैं यहाँ पे? ये मरियम नवाज की बातें सुन रहे थे, इस टाइम है शहबाज शरीफ की हुकूमत, कैसे आप जानते हैं, ठीक है? ये मैं इतना कुछ नहीं कहूँगा, हम बस इतना चाहते हैं पेट्रोल सस्ता हो जाए, बिजली का बिल सस्ता हो जाए, हुकूमत लेकर आनी कौन सी मर्जी ले आए। बिल्कुल, महंगाई तो तोड़े हैं, तो आप इंडिया की कंट्री हमारे से ज्यादा है। बिल्कुल, इंडिया की कंट्री हमारे से ज्यादा है, डॉलर उनका फिर भी सस्ता है, हमारा डॉलर 300 के पास है, पेट्रोल 300 के पास है, मेरा बस इनसे जाएगी लाइन महंगाई तोड़े। तो आपको क्या लगता है कि अब नवाज शरीफ आ रहे हैं तो महंगाई खत्म करेंगे?
वो एक पता कुछ नहीं, दिल से कहना है, दिल से कह रहा हूँ खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, मंगाई लगता है मुश्किल है, तो आप फिर भी सपोर्ट करने आ गए जी, मतलब मोहब्बत करते हैं इनसे फिर भी जी, या अवार्ड किसको देना है सच्ची बताना है दिल से, अभी कुछ भी नहीं पता, अभी पहले देखेंगे, मेरा भी नया नया आईडी कार्ड बना है, अभी पहला वोट जाना मेरा, वोट है ठीक है, अभी देखेंगे किसकी तरफ जाता है मेरा वोट, तो अभी फैसला नहीं किया, अभी फैसला नहीं, अभी मैं जलसे पे जा रहा हूँ, हर जलसे पे जा रहा हूँ, तो ये जलसा देख के आपने फैसला नहीं किया, मरियम नवाज को आपने करीब से देखा जी, तो फिर भी वोट देने का दिल, पास ही खड़ा हूँ फिर भी दिल नहीं किया वोट देने का, यार अभी वो पेट्रोल का तो सस्ता होगा, उनकी हुकूमत है मरियम नवाज, नवाज शरीफ की हुकूमत है, उनके चाचू है मरियम नवाज के सुभाष शरीफ, वो कुछ करे तो हमारे लिए, लेकिन वो कहते हैं कि वो उनकी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की आएगी तो फिर सही करेंगे, वो तो कंडेम ही नहीं कर रहे कि हमारी हुकूमत थी, वो कह रहे हैं वो शहबाज शरीफ की थी, मरियम ये कह रहे थे, चले मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाती है देख लेते क्या करता है, पहले हुकूमत आई थी नवाज शरीफ की, तो क्या किया था उन्होंने, आप बताए तब है था कुछ भी नहीं, अब तभी आवाम नहीं टिकी, अब आगे पता नहीं आवाम टिकती है नहीं, इमरान खान आया उसके बाड़ी हुई आवाम नहीं टिकी, आवाम ने टारा ही यहाँ, अभी तक किसी ने 5 साल हुकूमत नहीं की सही तरह, तो आप क्या चाहते हैं कि 5 साल हुकूमत करनी चाहिए किसी को, 5 साल हुकूमत भी करनी चाहिए और पाकिस्तान में तब्दीली भी आनी चाहिए, तो ये तब्दीली किससे आ सकती है आपको क्या लगता है, भैया कुछ भी आइडिया नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आवाम का कुछ करे, चलें जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने सारे ख्याल किया, खुश रहें आबाद रहें, थैंक यू, शुक्रिया, नंबर लिख लो मेरा, मैनू मैसेज कर दो, मैं तुम कर